इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कॉल सेटिंग्स की सैमसंग के कीपैड मोबाइल के लिए। तो यहाँ से मेन्यू में आना है आपको, और यहाँ से फिर आपको सेटिंग्स में आना है। तो सेटिंग्स में यहाँ पर एप्लीकेशंस में आना है यहाँ से, और यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉल की सेटिंग्स यहाँ पर सबसे ऊपर, इसमें आप जो है देख सकते हैं ऑल कॉल्स, वॉइस कॉल, फेक कॉल, ये सारी सेटिंग्स है। ऑल कॉल्स में यहाँ पर अगर आपको नंबर देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। ऑटो रिजेक्ट में वो नंबर जो आपने ब्लॉक किए हुए है, ठीक है, जिनसे आपको इनकमिंग कॉल नहीं आएगा, वो ऑटो रिजेक्ट में वो नंबर आप देख सकते हैं। आंसरिंग मोड की यहाँ पर सेटिंग्स आप देख सकते हैं, एनी की या ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं आप। और कॉल स्टेटस टोन्स में आप जो है इसकी सेटिंग्स भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं अलर्ट ऑन कॉल और कॉल टाइम लिमिट यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से कुछ सेटिंग्स यहाँ पर ऑल कॉल्स के लिए। अब यहाँ पर वॉइस कॉल में जो सेटिंग्स आती है वो है कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल बेयरिंग, कॉल वेटिंग और ऑटो रिडायल की। सिम वन और सिम टू दोनों के लिए आप यहाँ से इन सेटिंग्स को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से कॉल वेटिंग को ऑन कर सकते हैं, ऑटो रिडायल को भी ऑन कर सकते हैं सिम वन के लिए या सिम टू के लिए, ठीक है। इसके अलावा फेक कॉल में आप जो है फेक कॉल को यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो यहाँ से आप इसमें हेल्प में जाकर इसके बारे में और जान सकते हैं कि कैसे आप इसको सेटअप कर सकते हैं और क्या ये यूज़ आएगा आपके। तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशंस में ये कुछ कॉल की सेटिंग्स। अब यहाँ पर सिम कार्ड मैनेजमेंट में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पर आप दोनों जो सिम है आपके फ़ोन में उससे रिलेटेड सेटिंग्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप कॉल लगा रहे किसी नंबर पर और वो फर्स्ट सिम से लग रहा है, उसको अगर आप सेकंड सिम से लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सिम को स्विच कर सकते हैं। आपको इस बटन को प्रेस करके रखना है, तो यहाँ से इस तरीके से आप सिम स्विच कर सकते हैं कॉल लगाने के लिए। अगर आपको यहाँ से अगर कोई नंबर अगर आपको रिजेक्ट लिस्ट में डालना है जिससे आपको इनकमिंग कॉल्स ना आए, तो इस तरीके से आप कॉल लॉग्स में जाकर उस नंबर को रिजेक्ट लिस्ट में डाल सकते हैं। और रिजेक्ट लिस्ट से अगर आपको निकालना है तो जो हमने शुरुआत में यहाँ पर बात करें कॉल सेटिंग्स में देखा था, वहाँ पर जाकर आप जो है रिजेक्ट लिस्ट से नंबर को निकाल सकते हैं। इसके अलावा कॉल लॉग्स में आप रिसेंट कॉल, मिस कॉल, रिसीव कॉल, डायल कॉल और कॉल मैनेजर में जो है कॉल ड्यूरेशंस देख सकते हैं।